पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का क्या मतलब होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना, रुकना या ठहरना। ठीक है, तो उसके लिए हम हिंदी भाषा में कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, अब पहला चिन्ह आता है पूर्ण विराम। ये जो डंडा पूर्ण विराम की लंबी डंडी पीछे होती है, इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। ये कहाँ पे लगाया जाता है? जब कोई सेंटेंस या वाक्य खत्म होता है उसके लास्ट में ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भारत एक महान देश है, हम जो अपने उत्तर प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं उसके लास्ट में भी हमें क्या लगाना चाहिए? पूर्ण विराम। ठीक है, अब दूसरा आता है अल्प विराम। ये जो छोटा सा कॉमा इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं। इसे हिंदी में बोला जाता है अल्प विराम। ये कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ हम कुछ थोड़ी सी बात कहने के बाद रुक जाते हैं और फिर अपने आगे की बात को पूर्ण करते हैं, वहां पे ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, यहाँ आओ, फिर हम थोड़ी देर रुके, मुझे कुछ कहना है, तो इस जगह पे कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम। अब अगला आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, पता है आप सभी को? ठीक है, तो ये हिंदी में कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रश्न खत्म होने के बाद में। इंग्लिश में भी इसका प्रयोग होता है, तो इंग्लिश में भी इसको क्वेश्चन जब खत्म होता है उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है। अगर आप कुछ भी किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो उसके लास्ट में हमें ये चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब अगला आता है योजक चिन्ह। योजक का मतलब क्या होता है? दो चीजों को जोड़ने वाला, तो ये है योजक चिन्ह। इसे बोलते हैं डैश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? डैश। ठीक है, तो ये दो शब्द मतलब कोई चीज अगर बार बार बोली जा रही है और उनको बीच में जोड़ना है तो ये इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जैसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर। अब अगला चिन्ह आता है लाघव चिन्ह। लाघव का अर्थ होता है शॉर्ट फॉर्म, है छोटा। लाघव यानी होता है छोटा। किसी भी बड़े शब्द को अगर हमें छोटे रूप में लिखना है तो इस प्रकार से बिंदु बनाया जाता है, इसे हिंदी में बोलते हैं लाघव चिन्ह। जैसे हमारे मध्य प्रदेश को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आपने कई जगह देखा होगा न्यूज़पेपर में, पेपरों में, कि कोई शब्द लिखे रहते हैं उनके पास में छोटे से बिंदु या सब गोला का बिंदु बने होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। तो ये शॉर्ट फॉर्म में किसी भी बड़ी चीज को छोटे रूप में लिखने में प्रयोग किया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश। अब इसको पूरा लिखने के बजाय हमने छोटे रूप में केवल वहां लिख दिया और प्र लिख दिया और उनके पास में दो बिंदु लगा दिए, तो ये तो भी क्या पढ़ा जाएगा? मध्य प्रदेश। और इधर है उ और प्र, इसको क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश।